हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी जगहों पे जाकर लॉन के प्रिंट्स दिखाए हैं गर्मियों के ईद के लिए, तो मैं वीडियो देख रही थी। एक बड़ी अच्छी सी व्लॉगर हैं और लाइफ विद ज़ैनब के नाम से, तो उनके मैंने देखा कि वो बता रही थी कि यहाँ पे लाल गुर्ती में, रावलपिंडी में कपड़े बहुत खूबसूरत प्रिंट्स हैं और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो हमने डिसाइड किया, हमने कहा चलो कपड़े तो लेने हैं, ईद के लिए भी लेने हैं, ईद के लिए लोगों को देने के लिए गिफ्ट्स भी होते हैं और सबको ना, तो हमने कहा कि चलो ऐसे करते हैं कि लाल कुर्ती का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्राइसेस में और कैसे हैं कपड़े। तो हम लोग इस्लामाबाद से आ रहे थे, तो हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन 25-30 मिनट लगे क्योंकि रश नहीं था ज़्यादा, हम बाहर बाहर से आए थे और बड़े आराम से हम वहाँ पहुँचे। और वैसे भी वहाँ पे रश नहीं था, जैसे राबी सेंटर पे होता है ना रश, या F10 में रश होता है कि चार चार एक साथ पार्किंग हुई होती हैं आगे पीछे, तो यहाँ पे ये हालत नहीं थी, जो मुझे देख के खुशी हुई कि आराम से हम पहुँच गए। अच्छा, फिर यहाँ पे खट्टी ही लाल कुर्ती में, आपको फिर से बता रही हूँ, रावलपिंडी में ये आर्मी के एरिया के पास ही है, ये यहाँ पे चार पांच दुकानें बिल्कुल सामने हैं और एक छोटी सी मार्केट भी है। तो हम सबसे पहले तो जो उन्होंने बताया था स्ने लाइफ विद ज़ैनब ने, उन्होंने बताया था पहचान फैब्रिक्स के नाम से, तो हम लोगों ने कहा कि हम पहचान फैब्रिक्स उसी को देखने के लिए हम लोग गए। तो पहले तो हम नूर फैब्रिक्स पे आए, वो पहचान के करीब थी, तो आप अभी जो कपड़ा देख रहे हैं वो नूर फैब्रिक्स पे है और प्रिंट्स बहुत ही खूबसूरत थे सारे, ज़्यादातर ये जो है ना पठान शॉपकीपर्स हैं इनके, और जो है ये दिखा रहे हैं हमें। इस्लामाबाद में भी ज़्यादातर कपड़े का कारोबार जो है ना वो पठान्स जो है उनके पास है। तो हम लोगों ने कपड़ा हम लोग देख रहे थे, जो चीज़ हमें अच्छी लगी यहाँ पे वो ये था कि प्रिंट्स और वैरायटी काफ़ी थी और प्राइसेस इस्लामाबाद से आधी कीमत थी। जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना फूलों वाला, ये मैंने इस्लामाबाद से ये ख़रीदा है, मैंने अपने व्लॉग में डाला भी था। ये सिर्फ शर्ट मैंने ली थी वहाँ 1800 की और यहाँ पूरा सूट जो था वो 1700 का था। तो आप देखें बिल्कुल मतलब हाफ से हाफ फ़र्क है, अगर मैं वहाँ लेती पूरा सूट तो मुझे 3 का पड़ता। तो ये आप देखें ना, और कपड़ा वगैरह हर चीज़ वही थी, मैंने सब हाथ लगा के भी देखा, सब कुछ महसूस भी किया क्योंकि मैं ख़रीद चुकी थी पहले। तो हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बेशक प्राइसेस में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप इस्लामाबाद या गिरदोनवा से आ रहे हैं तो बजाय कि आप राबी सेंटर जाएं, और वहाँ इतना रश है और प्रिंट्स मुझे यहाँ ज़्यादा, सच्ची बातें यहाँ ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ सटल प्रिंट्स और ख़ूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स, और मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत पसंद है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग में यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा था। और 3-piece सूट्स भी थे, फिर ये रेप्लिका के जो सूट्स होते हैं, जैसे आपके डिज़ाइनर्स हैं, जैसे ये मारिया भी हो गई, सना सफीनाज वगैरह, उनके भी सब रेप्लिकाज यहाँ पे थे आधी से भी आधी कीमत में। तो अगर आप वो आपका दैट इज़ योर कप ऑफ टी तो आप वो ख़रीद सकते हैं, वरना आप इस तरह के भी लेके और बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से सिलवा सकते हैं। तो ये आप देखें, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, आप मुझे बताएं ना, ये पिंक पाइपिंग के साथ या हल्की सी गोल्डन आप इसमें वो जो पट्टी होती है वो लगा के आप इसके साथ बनाएं तो ईद पे आराम से आप पहन सकते हैं ये। और मैं आपको डिज़ाइनिंग के भी दिखाऊंगी कुछ व्लॉग्स, क्योंकि मेरी दोनों नीसेस जो हैं वो डिज़ाइनर्स हैं, और एक जो है वो तो इस्लामाबाद में रहती है, एक लाहौर में रहती है। तो जो इस्लामाबाद में रहती है तो उसके जो उसका जो फैक्ट्री है वहाँ ले जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या क्या आप जो है ना चेंजेस ला सकते हैं अपने कपड़ों में, खूबसूरत बना सकते हैं उनको विदाउट कि आप क्लोन की तरह जो है वो आप एक ही चीज़ जो है वो बाज़ार में मिल रही है वो पहने। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल वैसे भी ये जो डिज़ाइनर लॉन्स में भी और डिज़ाइनर ये जो है कपड़े वगैरह सैफायर वगैरह भी फूलों का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कपड़ा। तो ये देखें, आपका कपड़ा भी बड़ा प्यारा था और इस पर हल्की सी ना गोल्डन चमक थी इस कपड़े के अंदर, और कलर कितना खूबसूरत है, टर्कोइज में था, ब्लैक में था, पिंक में था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी, ये जो ये ब्लू नज़र आ रहा है ये बहुत खूबसूरत था, ये पत्तियाँ सी बनी हुई थी ना गोल्ड की। तो हम यही कह रहे थे, हमने कहा यार अच्छा किया हमने यहाँ आके, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ की वो ये था कि दुकानदारों का एटीट्यूड, मतलब
बिल्कुल जैसा लग रहा था कि एहसान कर रहे हैं निकाल के कपड़ा दिखा के ना, तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। हालांकि इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है, लेकिन वहाँ हम इतना गए और वहाँ इतने ज़्यादा मतलब इंटरटेनिंग और इतने ज़्यादा वो थे ऑब्लाइज्ड कि हाँ आप बना रहे हैं और हमारी दुकान की प्रमोशन हो रही है, क्योंकि इस तरह से दुकान की प्रमोशन होती है। हम खूबसूरत चीज़ दिखाएंगे आपको, आप जाएंगे इनके, अब हम उसी व्लॉगर का देख के व्लॉग जो हम यहाँ तक पहुँचे, वरना हम तो इस्लामाबाद में ही शॉपिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे क्योंकि उन्होंने दिखाया था। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को देखना चाहिए, और कोई ये थोड़ा है कि कोई आपका डिज़ाइंस कॉपी कर लेगा, ये तो कपड़ा है, हर जगह इसी तरह कपड़ा होता है। हाँ एक चीज़ अच्छी थी कि प्राइसेस इनकी अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अब ये देखें ये ब्लॉक प्रिंट में आया हुआ लाइट पिंक दुपट्टा था ये, साथ में इसके जो थी शर्ट जो थी वो ये वो थी ब्लॉक्स वाली, और साथ में प्लेन शलवार थी, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे। और फिर उसके अलावा बॉर्डर वाला काफ़ी था इनके पास कपड़ा। ये कपड़ा मेरी ये वाला ये पेजलेस वाला जो है ना, ये मेरी नीस को बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि ये तो मैं ले लूँगी और अपने लिए फिर डिज़ाइन करके जिस तरह भी होना होगा ना वो बना के तो पहनूँगी। तो यहाँ बस हम कपड़ा पसंद करें, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, अंदर इसका डोरिया सा था और ऊपर इसके ये ब्लॉक प्रिंट जो है ये हुई हुई है गोल्ड उसके साथ। ब्लॉक प्रिंटिंग हमेशा से जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़ा स्मार्ट लगता है ब्लॉक प्रिंटिंग पहन के। अब इसको अगर आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें तो मैं कहती हूँ कि आप आराम से इसको बर्थडे पे या किसी जैसे मिलाद हो गया या कोई आपका हो गया ईद हो गई, ईद पे भी आप पहन सकते हैं इसको। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि रेशमी कपड़ा तो आप जो है ना सोच भी नहीं सकते कि रेशमी या जॉर्जेट या सिल्क तो है ना आप पहनेंगे, क्योंकि इतनी स्वेटिंग और उसमें बिल्कुल नहीं है। फिर ये इसीलिए तो हमारे जो इंडो पाक में ये कॉटन यहाँ की इतनी मशहूर है, क्योंकि ये जो है स्वेटिंग जो है आपकी जज्ब करता है। फिर हम पहचान स्टोर के ऊपर आए जो उन्होंने मेंशन किया था लाइफ विद ज़ैनब ने, वहाँ पे हम आए और हम लोग देख रहे थे प्रिंट्स इनके पास अच्छे थे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनका एटीट्यूड इतना रूड था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि नहीं आप नहीं बना सकते, हमारी तो वो ही बनाती हैं या कोई है एक ब्लॉगर बनाती हैं। तो मैं और मेरी नीस हम यही कह रहे थे कि देयर इज़ अ वे टू सी थिंग्स, आप आराम से भी कह सकते थे, और हम लोग ख़रीदने वाले हैं, हम तो खड़े खड़े बच्चियों ने भी इतने सारे ले लिए कपड़े, मैंने भी लिए, मेरी बहन ने भी लिए, ये नहीं था कि हम कस्टमर नहीं थे और सिर्फ चीज़ों की वीडियो बना रहे थे, हम ले भी रहे थे और हम दिखा भी रहे थे। इसलिए हम उनको छोड़ के और भी अंदर एक दुकान बल्कि पूरा इनका एक छोटा सा ना वो उन्होंने कहा ये सारा हमारा है, उसके नाम था इनका लिबास मेरे ख्याल से, मैं भी आपको कार्ड भी दिखाती हूँ उसका। इनके पास प्रिंट्स भी अच्छे थे, इनका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा था, और यदि निकाल निकाल के दिखाने में इनको कोई मजायका भी नहीं था, उन्होंने कहा ये हमारा काम है, आप जितने कहेंगे प्रिंट्स हम आपको दिखाएंगे बाजी। तो मुझे इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा और मुझे इनके प्रिंट्स अच्छे लगे, मुझे इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो बड़ी नई और ख़ूबसूरत मुझे लगी, और बारीज़े का बिल्कुल डिज़ाइन और फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस, वो हमने सब ने एक एक सूट खरीदा। तो अभी आप ये देख रहे हैं तो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खोल के जब वो दिखाते जा रहे थे ना तो बड़े ही खूबसूरत इनके पास प्रिंट्स थे और वाइब्रेंट कलर्स थे बहुत ज़्यादा, और जैसे कपड़ा हाथ लगाने से ने भी बहुत अच्छा था, और वो जैसे उन्होंने इस तरह करके ना ये लिबास फैब्रिक्स के नाम से थी। ये देखिए इनका नंबर भी है इस पर और इनके दुकान का वो भी है, एड्रेस भी है लाल कुर्ती के अंदर ये। तो बस ये फिर हम देख रहे थे कि क्या लें क्या ना लें, किस तरह सिलवाएं, क्योंकि आगे काफ़ी सारे फंक्शंस आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग प्लान भी कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, तो वहाँ के लिए हमें कुछ ऐसा कपड़ा चाहिए था जो बहुत ना तो बारीक हो और ना बहुत मोटा हो, बस दरमियाना सा, क्योंकि वहाँ मौसम अच्छा होता है। फिर ये दूसरी साइड पे बच्चा था, उसने कहा बाजी हमारा भी दिखाएं, इनका नाम था सखी दाद दुपट्टा सेंटर, इनके पास दुपट्टे थे हर तरह के। और मेरी बहन ने मुझे बताया कि यही दुपट्टे इस्लामाबाद में F10 में और डिफरेंट जगहों पर ना 3,000 का 2,700 का एक दुपट्टा है, जो यहाँ पे 800 का 900 का दे रहे हैं। तो इन्होंने दुपट्टे भी काफ़ी सारे ख़रीदे, फिर शलवारें वाइट जो आजकल बड़ी चल रही हैं, तो वाइट शलवारें बड़ी ख़रीदी गई हैं। देखिए ये 800 का कह रहा था, और उसने कहा कि अगर आप लेने वाले हैं तो मैं और भी कम कर दूँगा। फिर ये दुपट्टा जैसे अगर आपने ऊपर ओढ़नी लेनी है या कोई आपने मलमल का दुपट्टा लेना है, इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो और 1,100 का बता रहा था, तो लेकिन यही कह रहा था साथ के आप अगर कहें तो मैं कम भी कर
कर दूँगा। फिर ये शलवारों का कपड़ा बहुत इनके पास बड़ा अच्छा था, बड़ा गफ और अच्छा कपड़ा था। तो बस ये देखते देखते हम इस दुकान पर आए, फिर ये लिबास की ही ये ब्रांच थी साथ में, तो हम यहाँ आके बैठ गए क्योंकि इतनी गर्मी थी। हमने कहा चलो थोड़ी देर सस्ता लें और बैठ के ना देखते भी जाते हैं और देखते भी। और दूसरा ये कि बड़े वेल बिहेव बच्चे थे ये जो इस दुकान के ऊपर थे। तो बस फिर हम यहाँ आके बैठे और हमने देखना शुरू किया। हमने कहा चलो भाई नई चीज़ें कोई दिखाओ जो तुम्हारे पास आई नहीं है। प्रिंट्स वगैरह तो बहुत देख लिए, हर जगह देख लिए, नई चीज़ कोई दिखाओ। अब ये देखें ये बड़ा प्रिंट है काफ़ी, लेकिन ये कि कुछ लोगों को ना बड़े प्रिंट्स बड़े फूल वगैरह अच्छे लगते हैं। अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ छोटा फूल और प्लेन हो तो उससे भी अच्छा है, लाइंस हो डॉट्स हो मेरी थोड़ी सी, या फिर मुझे ब्लॉक प्रिंट बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है, लेकिन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट। अब ये कपड़ा मुझे और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू हैव टाइम या अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं अभी अपने गर्मियों के कपड़े तो प्लीज़ आके ये वाले ज़रूर देखिएगा इनके पास। ये नई चीज़ थी जो मुझे कहीं और भी नज़र नहीं आई क्योंकि मैं इतने अरसे से रेकी कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ हर जगह जाके। ये खूबसूरत था, डोरिए में था और ये आप इसका कलर देखें, खूबसूरत और हल्की सी शाइन थी बीच में, साथ में दुपट्टा भी था। ये वो पहले तो उसने कहा कि जी ये 5,000 का सूट है, लेकिन जब हमने उसे भाव ताव किया तो उसने कहा जी मैं 4 में दे दूंगा, तो इसने 4 में ये करके दिया ये वाला। और इसके पास बहुत ज़्यादा कोई 32 प्रिंट्स थे और डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स डिफरेंट कलर्स में। ये सारे के सारे जो है ना ये 3-पीस सूट हैं ये जो आप देख रहे हैं, और जो आपको कलर ये ब्लू बहुत खूबसूरत था तो हमने एक ये लाइट ब्लू और एक ये डार्क ब्लू भी ये हम लोगों ने पसंद किया और लिया भी। ये देखें ये देखें कपड़ा भी देखें इसका। दूसरा ये कि ये इस तरह का कपड़ा था कि इसके नीचे से नज़र नहीं आएगी, ये बड़ा मसला हो जाता है ना कि आप पतला कपड़ा लें लेकिन अगर उसमें नज़र आ रहा है दिख रहा है तो फिर आपको उसके नीचे शमीज़ लगानी पड़ेगी। शमीज़ लगाएंगे तो वो फिर वो मकसद ही गायब हो गया उसका, क्योंकि आप तो पहन नहीं सक रहे हैं ना इतनी गर्मी में इतना मोटा कपड़ा। तो इसका ये बड़ा मुझे अच्छी लगी चीज़ कि कपड़ा भी गफ था, मोटा था, इसमें से नीचे नज़र भी नहीं आ रहा था, झलक भी नहीं रहा था। अब इसमें ये प्रिंट देखें आप, रेड्स में थे, शॉकिंग पिंक्स में थे, बहुत ही खूबसूरत दीदा जेब प्रिंट और दुपट्टे भी काफ़ी लंबे और मलमल के दुपट्टे और कुछ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हल्की हल्की हुई हुई थी। तो अगर आप लेसेस वगैरह लगा के और अच्छी सी डिज़ाइनिंग करें तो मैं कहती हूँ बहुत ही आपका सजेगा ना ये जो चीज़ है। ये देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत है ना, देखो ऑरेंज के साथ, और ये बहुत खूबसूरत है भाई। मैंने इतने व्लॉग्स भी देखे हैं और इतने मैंने मतलब अभी मैं जब से आई हूँ पाकिस्तान में ये डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन इनके प्रिंट्स मुझे भाई सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगे। क्योंकि अब ये देखिए ये वाला, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये देखें मतलब लाइट कलर, उसके ऊपर पेजलेस भी ऐसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग, और ब्लॉक प्रिंटिंग हमेशा से बड़ी स्मार्ट लगती है। ये कराची की चीज़ है ब्लॉक प्रिंटिंग, और हमेशा से जो है ना ये कराची के लोगों की ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें इसके साथ, ये देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत है, इसकी कॉम्बिनेशन आप चेक करें ठीक है। इसके नीचे आपने हल्की सी लेस लगाई, इसको अच्छे तरीके से सिलवाया, इस पर बटन सारे सामने आपने हल्के से उसके गले के ऊपर लगाए या आपने कॉलर वाला रखा लगवाया, लेकिन और जिस तरह आपको पसंद हो, और आप जो है क्या इसका बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा फिर ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। एक तो अभी मैं आपको फैंसी वाला दिखाऊँगी, ये नई चीज़ थी जो कहीं और मुझे नज़र नहीं आई। ये देखें आप, ये पूरा जैसे ईद के लिए आया हुआ था, उसने कहा ये ईद कलेक्शन है। इसमें गोल्ड का काम काफ़ी था और इसके दुपट्टे के ऊपर सारी गोल्डन धारियाँ थी, गोल्डन हल्के से ना जैसे सितारा सा लगा हुआ। ये देखें इसमें भी बहुत सारे प्रिंट्स थे और ये हल्का सा ना इसके अंदर वो वाला इफेक्ट था, ओम्ब्रे इफेक्ट था। ये देखें दुपट्टा भी ओम्ब्रे में भी है और इसके ऊपर सारी गोल्डन पट्टी थी। ये देखें और साथ में नीचे इसका चुनरी का भी प्रिंट इफेक्ट दे रहा है, तो ये बड़ा खूबसूरत था। ये भी ये 3,500-4,000 का कह रहा था कि ये होगा। जो दुपट्टे के साथ 3-पीस सूट थे ना वो 3,500-4,000 की रेंज में थे और बाकी 1,700-1,700 के। तो 1,700 में तो आपको राबी सेंटर और इस्लामाबाद में तो आप भूल ही जाएं कि मिले ना, 1,700 तो आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ तो ना हम लोगों ने भाव तो किए तो 15 के भी दे दिए उसमें। ये देखें इसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है दुपट्टे के ऊपर, देख रहे हैं ना आप,
हल्का सा देखें काम हुआ है इसके ऊपर, तो कहाँ आपको यहाँ इस तरह मिलेगा भाई। और भाव ताव मेरी बहन वगैरह कह रही थी कि हम और भी भाव ताव करें, तो 35 तक भी आ गया कुछ देने के लिए। अच्छा ये तो मैंने ले लिया, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये जब नॉर्थ इंशाल्लाह जाएंगे ना कागान और ये इन जगहों में, यहाँ ये अच्छा काम आएगा, हल्का सा मोटा चल जाता है वहाँ। ये बहुत ही अच्छा लगा। ये इन्होंने दिया मुझे पूरा 3-पीस सूट, इन्होंने ये हमको दिया था 3200 का दिया था। और यही चीज़ अगर आप बारीज़े से लेने जाएं तो आप सोचें कि 20,000 तक की आपको भी बारीज़े का मिलता है। ठीक है बारीज़े का नाम है, इट्स अ ब्रांड, लेकिन ये कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, और इसी के साथ आप हल्की से ना नीचे लेसेस लगा लें, इसको अच्छी तरीके से स्टिच करा लें स्मार्टली, तो कितना ये खूबसूरत लगे। अच्छा मैंने ब्लू ख़रीदा, मेरी बहन ने शॉकिंग पिंक ख़रीदा इसी में। अच्छा अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए ये रेप्लिकाज हैं, ये अलकरम का रेप्लिका था, ये देखिए ये, और कपड़ा भी इससे मुलायम ना नरम, बिल्कुल रुई की तरह कपड़ा था। और ये देखें इसका दुपट्टा कितना इसका फैंसी और ख़ूबसूरत दुपट्टा है, विद बिग फ्लावर्स और वेरी सटल कलर्स, तो आई रियली लाइक दिस वन। लेकिन अच्छा इसकी प्राइस जो थी ना वो थी 4000, और मेरी नीस ने बताया कि अगर आप ये डिज़ाइनर ब्रांड्स लेते हैं, डिज़ाइनर कपड़े लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा 15,000 से 20,000 तक की रेंज में है जो डिज़ाइनर लॉन्स है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, दुपट्टे भी पूरी कढ़ाई हुई है कि इसकी, दामन के ऊपर भी सारा चिकन बना हुआ है चिकनकारी, तो आप ये देखें बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मारिया बी के, उन्होंने कहा मारिया बी के काफ़ी थे, लेकिन क्योंकि ईद करीब आ रही है तो काफ़ी सेल आउट हो चुके हैं। और ये देखें ये मारिया बी का है, गला बना हुआ है इसके साथ, और इसके साथ सारा इसके जो पट्टी होती है लगाने वाली और सारी एम्ब्रॉयडरी के जो लेसेस वगैरह वो भी साथ थी। तो ये जो थे ये 4,000-4,000 के, 3,500-4,000 के रेंज में थे ये सारे जो रेप्लिकास थे डिफरेंट डिज़ाइनर्स के। ये देखें और बड़ा अच्छा कपड़ा था ना, मैं सब कुछ छू छू के देख रही थी। अच्छा मुझे तो यही था कि मैं ख़ुद लेके और डिज़ाइन करा के ना बिल्कुल थोड़ी सी एक्सक्लूसिव चीज़ पहनूँ, तो मैंने फिर इसीलिए इस तरह के लिए मैंने डिज़ाइनर लॉन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं ली। बारीज़े से मैंने एक दो सूट ख़रीदे, लेकिन और जो है ना मैंने नहीं ली। अब ये जो मेरे कपड़े सिल के आएंगे ना, तो वो भी मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं कपड़ों को। ठीक है हल्का सा लेसेस, और लेसेस भी यहाँ पे बड़ी थी। अगर आप लेसेस इस्लामाबाद से या कहीं और से लेंगे ना तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप लाहौर के इलाके में रहते हैं, कराची में, तो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको लेसेस सस्ती मिलेंगी, और यहाँ भी लेसेस नस्बतन सस्ती थी। तो यहाँ से जब आप कपड़ा लेने आएँ तो फिर लेसेस भी ले लें आप, या फिर आप पिंडी का जो अंदर बाज़ार है वहाँ से आप ट्राई करें। खैर वहाँ मैं नहीं गई, लेकिन यहाँ मैंने पूछी कुछ लेसेस तो मुझे सस्ती लगी। फिर हम जैसे वेस्टर्न टाइप के क्लोथ्स होते हैं लूज से, जैसे टर्किश स्टाइल के होते हैं, वो भी ये लड़कियाँ बहुत शौक से पहनती हैं, तो उसके लिए हमें प्लेन कपड़ा चाहिए था। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त कपड़ा था, एम्बॉस था और हल्का हल्का इसके अंदर ना प्रिंट जैसे एम्बॉस प्रिंट था, और कपड़ा भी अच्छा गफ भी था, जैसे देखें आपको इसमें से सी थ्रू भी नहीं हो रहा, तो इसमें भी लिया फिर हमने। और इस ये देख रही है मेरी बहन, वो चूज़ कर रही है कि उनको कौन सा कलर, तो मैंने कहा नहीं मस्टर्ड तो ना लो, गर्मी है और मस्टर्ड तो फॉल का कलर है, फॉल में लेना जो मस्टर्ड अगर लेना है। लेकिन अभी फिर हमने उसे कहा, मैंने कहा शॉकिंग पिंक ले लो मरून का, उसने कहा मरून की कढ़ाई जो है ना मुझे अच्छी सी नहीं लग रही। तो ये देखिए बड़ा ये मुझे वैसे बहुत अच्छी चीज़ लगी, लेकिन ये है कि हाँ ये थोड़ा सा इसका ये मसला है कि इसके जो चिकन के जो ये सर थे होल्स वगैरह ये थोड़े से ज़रा बड़े थे। हमने कहा चलो इसके नीचे एटल की वो शमीज़ लगा लेंगे, और ये ऐसी जगह में पहनेंगे जहाँ पे बहुत गर्मी ना हो, जैसे कि कहीं आप या थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए, या आपने आपको पता है कि आपने अंदर ही रहना है तो आप ये फिर पहन लें। तो ये देखिए ये इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, चारों साइडों पे इसके बॉर्डर बना हुआ है और अंदर बूटी बनी हुई है। ये देखिए कलर्स भी इनके पास देखें कितने प्यारे थे, जो मुझे रेड भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा रेड ले लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं रेड ना लें आप ब्लू ही ले लें। फिर मैंने ब्लू ले लिया, लेकिन रेड भी मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा दिल रेड पहनने को चाह रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि बिल्कुल ही बच्चों की शादियों का टाइम आ जाए और फिर रेड आप पहन ही ना सकें, आप कहें कि नहीं यार अब तो नहीं पहन सकते, उससे पहले रेड पहन लें।
तो ये देखें शॉपिंग पिंक कितना खूबसूरत है। अच्छा मुझे शॉपिंग पिंक कलर पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ये बहुत स्मार्ट था, ये बड़ी नई चीज़ थी, ये लॉन के ऊपर ना एप्लिक हुआ हुआ था। ये देखें ये अगर आप इसके बेज इसी का जो बूटी का कलर है इसी की शलवार और दुपट्टे के साथ पहने तो क्या प्यारा लगेगा ये ना। और इसमें ये भी था, इसका इसके ऊपर जो थे पेजले से बना हुआ था, तो ये मुझे ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगा ना। ये देखें ये भी ख़रीदा हम लोगों ने, मैंने तो नहीं, मेरी नीच ने लिया ये वाला और उसने कहा लूज लूज सा कुर्ता सा बनवा लूँगी और साथ में कड़ी शलवार वो पैंट स्टाइल की जो होती है उसके साथ ना दुपट्टा। या आजकल तो लड़कियाँ दुपट्टा ले भी नहीं रही हैं तो ऐसे ही उसके साथ खुला खुला सा ना बड़ा स्मार्ट लगेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये यही 1700-1700 के और रेंज में है, सारे जितने भी आप देख रहे हैं सब 1700 की रेंज में है कपड़े। और थ्री पीस जो है वो थोड़ा 3000 से 4000 की रेंज में, बाकी ये जो शर्ट्स ये पूरे अच्छा। फिर उसके बाद ये दुपट्टे जो मैं आपको बता रही थी कि ये इस्लामाबाद में 2700 का दुपट्टा है और यहाँ पे 800, 900 और 1500, तो जो फुल एम्ब्रॉयडरी में था वो 15 का था और जो बूटी जो सिर्फ पड़ी हुई है ये जो देख रहे हैं बूटी पड़ा हुआ ये 8 का था। इस दुकान के ऊपर फैंसी कपड़ा भी था काफ़ी और सितारों वाला और शादियों के लिए और इस टाइप का ना बनारसी जो होती है हल्की बूटी वाला और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले काफ़ी थे। फिर ये इनके पास काफ़ी इस तरह का शादी और इस शादी ब्याह की और इस चीज़ें थी, तो बड़ा मज़ा आया, नई चीज़ें थी और सस्ती चीज़ें थी। थैंक यू।